उसे उसके फियांसी से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि क्योंकि वो एक नौकरानी के साथ। कुछ हो गया तो लोग मुझे ही गुनहगार समझेंगे। इसलिए तुम नौकरी छोड़कर चली आई? मैं नौकरी छोड़कर नहीं आई हूँ, मालती मैडम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? असल में हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं मंजू को पढ़ा रहा हूँ। क्या? अगर ये फेल हुई तो आप जो चाहोगे वही होगा, ये नौकरी भी छोड़ देगी। लेकिन अगर ये पास हो गई तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। और अब चोरी छुपे नहीं, खुलेआम पढ़ाऊंगा, बिना किसी से डरे सिखाऊंगा। क्या आपको यह मंजूर है? शौनक, एक बार फिर से सोच लो। मैं तैयार हूं, मंजू भी तैयार है, और आप? हम भी हैं, हम भी तैयार हैं। मैंने कहा था ना कि अगर सच कहो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आसान? आपने तो मुझे और मुश्किल में डाल दिया है। सर, मैडम और बड़े साहब मेरी परीक्षा लेने वाले हैं। मैं तो फेल होने ही वाली हूँ, बस ये सोच रही हूँ कितने मार्क्स से फेल होंगी, या बहुत बड़ा अंडा मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। मंजू, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? और नहीं तो अगर मुझे लगता कि तुम तैयार नहीं हो तो मैं उनके सामने प्रस्ताव रखता ही नहीं था ना। सर, कुछ भी हो लेकिन आपने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वहां उन्हें जवाब तो मुझे देने हैं ना। जरा सोचिए, अगर उन्होंने मुझे जर्मन के इतिहास के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी? समझो, अगर उन्होंने तुम्हें जर्मन के बारे में पूछा तो तुम क्या जवाब दोगी? और क्या जवाब दूंगी, हिटलर जर्मनी का था बस इतना पता है, पर यहां तो सभी हिटलर हैं। तो फिर ठीक है ना, तुम्हें एक हिटलर तो पता ही है ना, तो तुम्हें दुनिया के किसी भी हिटलर से डरने की जरूरत नहीं है, समझी? सर, बोलने में बहुत आसान लगता है लेकिन जवाब मुझे देने। अब सोचिए, अगर उन्होंने मुझसे बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों के अर्थ पूछे तो क्या जवाब दूंगी मैं? जैसे कि अगर मुझे ये सब पता होता तो क्या मैं इतनी टेंशन लेती? सर, मैं ना वैसे भी पासिंग मार्क के लायक ही थी, लेकिन अब आपकी वजह से ना मुझे बिल्कुल जीरो मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी, मैं फेल ही होंगी, मैं जरूर फेल होंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे से पढ़ाई करने वाली हर लड़की फेल हो जाएगी। सर, मंजू, मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम इस परीक्षा की तरफ पास या फेल होने की नजर से मत देखो। मेरे घर वालों को या फिर उनकी जैसी सोच रखने वाले लोगों को तुम अपनी हिम्मत दिखाने वाली हो कि पढ़ाई करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अरे सर, लेकिन शिक्षा की भी तो सीढ़ियां होती है ना। अब मैं पहली कक्षा की पढ़ाई कर रही हूँ और अगर मुझसे दसवीं के सवाल किए गए तो क्या बोलूंगी? सर, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अगर मैं फेल हो गई तो? अजी अजी, हमारे घर में ये क्या चल रहा है और आप ये क्या कर रहे हैं? तुम भी एक पैग लगा लो, लेट्स सेलिब्रेट। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, अगर ये लड़की गलती से पास हो गई तो आगे जाकर क्या होगा? अब इस पे सोचने वाली क्या बात है, वो पास हो ही नहीं सकती, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर हो गई तो? हो गई तो हो गई, तब देख लेंगे ना, तब का तब सोचेंगे। वो लड़की दोबारा इस घर में आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर वो पास हो गया तो ये लड़का कह रहा है कि उसे बिना किसी से डरे पढ़ाने वाला है। और अगर फेल हो गई तो?
अगर फेल हो गई तो वो हमारी बात सुनेगा। ये बात तो तुम्हें पता है, भूल गई क्या बुद्धू कहीं की? हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो तुम। हाँ अजी, अब इस घर का भविष्य उस लड़की के ही हाथ में है। हंसिए हंसिए, कल जब वो लड़की यहाँ रहने आ जाएगी ना तब पता चलेगा। हंसिए, मैं क्यों टेंशन? अब हंसू नहीं तो क्या करूँ, तुम्हें बताओ। अच्छा सुनो, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हाँ नो, नो की स्पेलिंग होती है KNOW, और उसने क्रो ऐसा कहा तो निमोनिया को अगर उसने प्लीमोनिया बोल दिया तब क्या करोगी तुम? अब आई ना हंसी तुम्हें? तुम देखती रहो उसकी अंग्रेजी भाषा, हमें एंटरटेन करने वाली है। हाँ वो सब तो ठीक है, मतलब पेपर तो हम ही बनाने वाले हैं और वो पास हो ऐसा तो होगा ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। प्रणव क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे, तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ पक रहा है, चलो मुझे बताओ क्या है। मैं ये सोच रहा था कि वो मंजू उस प्ले में तो आसानी से बच गई, लेकिन परीक्षा से वो बच नहीं पाएगी। वैसे शौनक की डेयरिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, मुझे तो ये पता ही था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हें लेके आज तक कभी आया ही नहीं। मतलब तुम मेरी बराबरी उस डफर लो क्लास मंजू के साथ कर रहे हो? नहीं वो बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमान स्त्री। ये स्त्री मत कहो, हाँ वो बिल्कुल एकदम लो क्लास औरतों की तरह लगता है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमान लेडी। ओके तो तुम्हारे जैसी बुद्धिमान लेडी भी अगर ऐसा कोई मुश्किल पेपर ना कर पाए तो मंजू तो पक्का फेल हो जाएगी, है ना? नहीं, मेरे लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम आसानी से हल कर सको ऐसा पेपर निकालते हैं जिसमें मंजू 100% फेल हो जाए। उसे ना 0 में से 0 मार्क मिलेंगे, आई टेल यू। 0 मार्क का पेपर कैसे निकालेंगे हम? उसमें क्या है, बहुत ही आसान है। ये रिसीट की स्पेलिंग क्या होती है? रिसीट RECPIT। पक्का? नहीं नहीं, सी RECPET। फाइनल ना? अरे यार मैं हमेशा इसी की स्पेलिंग भूल जाती हूँ, पता है? कोई बात नहीं, स्पेलिंग है RECEIPT, पी साइलेंट है। मतलब मैं अनपढ़, मैं बेवकूफ हूँ, यही प्रूव करना चाहते थे ना तुम प्रणव? You're not too bad. मुझे पता है तुम्हें यही सब प्रूव करना था, इसीलिए तुम ये सब बोल रहे थे ना? Sorry. ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो स्पेलिंग बताई है ना, वो यूज करते हैं US English में। US English में? हाँ। हाँ? अरे US में सब यही तो स्पेलिंग बोलते हैं इसकी। सच में? और तुम तो कॉन्वेंट में पढ़ी हो ना, उससे भी ऊंचा। अरे तुम में और मंजू में बराबरी हो ही नहीं सकती है, हैं? So sweet of you, प्रणव। तुम्हें पता इस घर में ना सिर्फ मेरी तुम्हें और तुम्हारी मुझे फिक्र है, बाकी दूसरे किसी को भी नहीं है। करेक्ट, लेकिन अब पॉइंट ये है कि शौनक ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसी कुल्हाड़ी से 2 लोगों की मौत होने वाली है। मतलब शौनक ने बहुत बड़ी गलती की है ये प्रूव हो जाएगा। और दूसरा, मंजू की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अरे लेकिन मंजू के जाने के बाद अनाहिता को कौन संभालेगा? अरे मॉम ने कहा है ना कि अंजू आने वाली है, अभी अनाहिता इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, शौनक की नाक कटनी चाहिए, वो भी मॉम डैड के सामने। अब तुमने ही मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अगर मैंने तुम्हें ये थियरी बता दी कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है, तो तुम कहोगी कि मैं फेल हो जाऊंगी। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। सर आप मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। तुम्हें कल के रिजल्ट का टेंशन है ना, अभी हम हर बार उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या सॉल्यूशन है। देखो परीक्षा का तो एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ाई। आज रात भर तुम पढ़ाई करो, हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है उसकी तुम रिविजन करो। घर जाकर पहले रिवीजन ही करती हूँ। मंजू तुम आने जाने में वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो, कमरा है ना तो कमरे में पढ़ाई करो।
सर, वो मैंने अपना सारा सामान और किताबें घर पर ही रखी हुई हैं। तो फिर लेकर आनी है क्या? नहीं तो तुम पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मैंने फैसला किया है, अगर मैं परीक्षा में पास हो गई ना तो ही मैं अपना सामान यहाँ लाऊंगी, वरना मैं नहीं लाऊंगी। मतलब तुम कल ही अपना सामान यहाँ लेकर आ सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें नोटबुक और डिक्शनरी देता हूँ, और अगर चाहिए तो मेरा मोबाइल रख लो। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, नोटबुक और डिक्शनरी ही काफी है। गुड, तो तुम कल की फिक्र छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ओके? सर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं फेल होने वाली हूँ। तुम फेल हो गई तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, ये तो तुम्हें पता है ना? नहीं सर, मैं आपको फेल नहीं कर सकती। तो तुम बिल्कुल फेल मत होना, बी रेडी बी प्रिपेयर्ड। अब घर जाओ, सुमन तुम्हारी राह देख रही होगी। अजी, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ उस लड़की की वजह से नहीं है, हमारा बेटा भी उसमें शामिल है। देखा ना, उस नौकरानी की वजह से अपने घर वालों से भी झगड़ा कर बैठा है वो। ये उम्र ऐसी ही होती है, वो अभी दूध पीता बच्चा नहीं है, शादी तय हो गई है उसकी। पुरुषों की जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज यही होता है। मतलब अजी, मतलब कल हम जो परीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है क्या? अपने फैसले पर अड़े रहते यही ठीक होता ना? वो क्या है ना, हम जब रास्ते का काम करते हैं तब रास्ते में आजू बाजू में जो किसान रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनकी जमीन को अपने नाम करवा लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कुछ लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ लोगों को छोड़ने के लिए धमकियां देनी पड़ती हैं। पर क्या तुमने आज तक मुझे कभी किसी के साथ नेगोशिएट करते देखा है? उन्हें मैं मालिक हूँ ये पता ही नहीं होता है। हम लोग जिन्हें पगार देते ना, वो लोग हमारा ये काम करके देते। अब उसका इससे क्या संबंध है? उस लड़की से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा ये बताइए मुझे। अरे यही बात तो बता रहा हूँ मैं, हम जिन्हें पैसों पर पालते हैं ना, मतलब जिन्हें पगार, मैंने मतलब गुंडों की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब काम वो करते हैं, हम लोग इन कामों से दूर रहते हैं। तो विलेन कौन होता है? वो लोग होते हैं, हम लोग नहीं। एक ही तीर से दो शिकार करते हैं। अगर ये बातें शौनक ने सुन ली ना, नहीं, तो नहीं, ये फिलॉसफी है। हाँ, उसके लिए वो बात अलग है, उसे कैसे टैकल करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। उसे मैंने बुलाया है, मतलब वो अभी आता ही होगा। लो आ गया, आओ। मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, झगड़ा करने के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जाती हूँ। सुमन को कुछ काम करने दिए थे, वो हो गए हैं या नहीं देख कर आती हूँ। शौनक, तुम्हारे इस बर्ताव से हम दोनों बहुत हर्ट हुए हैं, और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम एक बार तुम देवयानी को कॉल करो, ऐसा मैं चाहती हूँ। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम। देखो, उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और मुझे लगता है कि उसकी ये गलतफहमी तुम्हें जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए। उससे बात करो, ऐसी गलतफहमियां शादी से पहले अच्छी नहीं होती हैं। शादी के बाद तो सब लोग जो जी में आए वैसा करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कोई टिपिकल बाप नहीं हूं। तुमने जो गलती की है वो सही है या गलत, उसे भूल जाओ, वो तो होती ही रहती हैं। मैन विल बी ऑलवेज मैन। हाँ, शादी से पहले ऐसी गलती हो ही जाती है इंसान से, वो तो होती रहती है। लेकिन तुम वो बैचलर पार्टी वगैरह करते हो ना, उसी के लिए करते हो ना ये सब? डैड, आप ये क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डरो मत, ऑल आई एम सेइंग इज आई एम ओके विद यू। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, बट योर मॉम वोंट बी। वो जो लड़की है ना, मतलब मंजू, उसके बारे में तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर होना स्वाभाविक है,
क्यों शौक लगा क्या तुम्हें? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं टिपिकल डैड नहीं हूँ। और मैं टिपिकल मैन नहीं हूँ, एक पुरुष हूँ, इसलिए जो जी में आए वो बात कर सकता हूँ। ऐसी बेहुदा बातें मानने वाला मैं नहीं हूँ। तो फिर इतनी देर रात तक तुम उससे क्यों मिला करते थे? उसे पढ़ाने के लिए। और ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, और यही सच है। बाय द वे, तुम्हारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, है ना? दोस्ती का। मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम्हें जो भी करना है वो घर के बाहर करना। मतलब ये सारी बातें घर तक, खासतौर पर अपनी बीवी तक तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम तो एक कदम आगे निकल गए मुझसे। दोस्ती अच्छी टर्म है। टर्म नहीं, इज द ट्रूथ। मंजू मेरी दोस्त है, ये बात मॉम को बताने के लिए या फिर देवयानी को बताने के लिए मैं शर्माता नहीं हूं, और ना ही मुझे इस बात का डर है। लेकिन डैड, वैसे देविदास अंकल आपके बहुत ही क्लोज थे ना, एक्सीडेंट होने से पहले? मतलब उस एक्सीडेंट के बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। समय, मंजू तू कब आई? अभी अभी तो आई हूँ। क्या है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, नौकरी चली गई है तुम्हारी, क्यों? क्या रे पंकज, किसी ने बुलाया क्या तुझे यहाँ? तेरी प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। वो क्या है ना सुमन, ये अब यहाँ काम नहीं करती, इसे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ सही कहा, मैं अब यहाँ नौकरी नहीं करती हूँ, बेबी सेटर नहीं हूँ मैं। मैं अब देशमुखों की गुलामी भी नहीं करती। मेरी नौकरी और पढ़ाई का फैसला अब कल ही होगा। बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, अब तक तुम्हारे सिर से पढ़ाई का भूत उतरा नहीं है ना? पढ़ाई का महत्व तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? मंजू तू क्यों इसकी मुंह लग रही है, क्यों सुन रही है इसकी बातें? तू आज यहीं रुक। नहीं सुमई, मैं घर जा रही हूँ। अरे लेकिन। नहीं सुमई, मैं गुस्सा होकर नहीं जा रही, बल्कि खुश होकर जा रही हूँ। शायद घर जाकर अच्छे से पढ़ पाऊंगी। अब चलती हूँ मैं। हाँ, मुझे बेस्ट ऑफ लक तो बोल। बेस्ट लक। आती हूँ। हाँ फाइनली तुमने मुझे कॉल किया ही, लेकिन आप मैं क्यों उठाऊं? छोड़कर चले गए थे ना तुम मुझे। मंजू बेवजह और मुझे बिना बताए नौकरी छोड़कर जा ही नहीं सकती। शौनक, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देयर आर सम लिमिट्स। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। करो और दो तीन बार कॉल करो, तब तक मैं उठाऊंगी नहीं। करो। और देवयानी, आज तुम शौनक को कॉल करना ही मत, उसे भी तो पता चले तुम कितनी हर्ट हुई हो। उसने कॉल नहीं किया तो मैं उसे करने के लिए बोलूंगा, कल वो तुम्हें सॉरी जरूर बोलेगा। मंजू रुको, मैं आ रहा हूं। सर लेकिन क्यों? सर आप यहां इतनी रात को क्यों? किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जो हो गया सो हो गया, और अब तुम कहां जा रही हो? घर। इस वक्त क्यों?
अच्छा, किताबों के लिए? वो मैं अब यहाँ काम नहीं करती ना, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? ऐसा किसने कहा तुमसे? पंकज ने कुछ कहा क्या? उसे बड़ी खुशी मिलती है ना दूसरों को नियम बताने में। रुको, मैं अब उसे अपने नियम बताता हूँ। सर रुकिए, सर आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप मेरे लिए किसी से कुछ नहीं कहेंगे और किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अब घर जाकर सो जाओ, रात भर जागना मत और आखिरी मिनट तक पढ़ाई मत करना, समझी? क्योंकि उसे सिर्फ टेंशन आता है, दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। सर आपको पता है, मैं जब स्कूल में थी ना, परीक्षा से पहले मैं एक सपना जरूर देखती थी कि मैं पढ़ाई तो इतिहास की करके गई हूँ और पेपर भूगोल का है, और मुझे कुछ भी नहीं आता। सेम सपना मुझे भी आता था। आप ये सब मेरी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं ना? लेकिन सर देखिए ना, कल मेरी परीक्षा है और कौन सा सब्जेक्ट किया ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन कल की परीक्षा पर मेरा भविष्य निर्भर है, मेरी शिक्षा का, मेरी नौकरी का, मेरे सपनों का भविष्य। तो फिर ऐसा समझ लेते हैं कि कल का सब्जेक्ट होगा जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी से ही सारे सवाल के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.